यही बैशाख में हामीले खोजेको केटासँग बिहे गर्ने नत्र तेरो आमा र मेरो लास हेर तपाईहरुलाई। हेलो दोस्तों नमस्कार। नेपाली मूवी बेहोली फ्रॉम मेहोली का टीजर रिलीज किया गया जो बहुत कॉमेडी से भरा है। तो पहले हम नेपाली मूवी का टीजर देख लेते हैं क्योंकि कॉमेडी है तो थोड़ा हंस भी लेते हैं आपके साथ में। यही बैशाखमा मेरो घरमा तिम्रै हातले टेन्ट लाउँछौ ल च्यालेन्ज भयो। यदि बिहे गर्ने हो भने यही बैशाखमा हामीले खोजेको केटासँग बिहे गर्ने नत्र तेरो आमा र मेरो लास हेर। तपाईहरुलाई केटा चाहिँ कत्रो चाहिने हो यत्रो खुरुक्क न बिहा गरेर घर जाउँ गर्ने पार्टीको उत्तराधिकारी जन्माउनु परेन पहिनी भा ह्यान्डसम छँदैछु बेउली ब्युटिफुल खोज्नु भयो होला। केटी त असाध्यै राम्री छ तर उमेर चाहिँ 30 के हो के छ र बा केटी चाहिँ केटी हुनु पर्यो के थाहा हुनु भएन त्यो कोइराला केटो राम्रो छ सोझो पनि छ त्यो वजेन्द्र भन्दा त सही गुणा राम्रो छ। खुसा छ तिमीसँग किन छौ भने होटल छौ मसँग फेरि नाटक सुरु भयो यसको बिहेको साइड निस्किसक्यो केही साह्रो गाह्रो भएको हो केटा पाउनु यो जमानामा केटीसँगै बिहे गरेर पठाइदिउँ भन्नु पनि नमिल्ने गजब मिठो खाइयो घाँटीमा अड्किँदै अड्केन मुखमा राख्यो पेटमा स्वाट्टै पेटमा चाहिँ अडाइ राख्नु छ है नत्र जाला सुलु तीन अक्टूबर को आएगी मतलब घाट स्थापना के दिन नवरात्रि में जब शुरुआत होती तो घाट स्थापना होती उसी दिन ये मूवी आएगी। नेपाली मूवी में जब डेट दिखाई जाती है ना तारीख दिखाई जाती है तो हिंदी महीनों के हिसाब से दिखाई जाती है। हिंदी में 12 महीने होते हैं चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन ये महीने की तारीख के हिसाब से इसमें डेट दिखाई जाती है। वैसे ये मूवी 3 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी। इसमें दिखाया जाता है कि एक परिवार होता है उनकी लड़की शायद पहाड़ से पढ़ के आई है और फिर उसके लिए लड़का ढूंढा जाता है तो वो कहते हैं कि बैसाख के दिन बैसाख महीने में 3 वो खेल रखे जाएंगे तभी इनको लड़का देखने आएगा कबड्डी और फुटबॉल ऐसा दिखाया जाता है उसमें 3 दिखाए जाते हैं तीनों लिख के आते हैं शर्त लगाई जाएगी साथ। तो जो पहला लड़का देखने आता है वो शायद उन्हें पसंद नहीं होता और वो एक नेता होते हैं सिगरेट को ऐसे करके लगाते हैं ना उनके जो चमचे होते हैं ऐसे करके लगाते हैं और वो कहते हैं अभी तो आप 30 क्यों हुए हैं। तो ये जो मूवी है ना इसमें दिखाया जाएगा कि एक लड़की को 3 बार लड़के देखने आते हैं और वो जिससे प्यार करती है वो शायद विदेश चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमेडी है इसमें उसकी मार होती है वो कहती फिर इसका नाटक चालू हो गया उनके पापा ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनकी वो लाड़की बेटी होती है बेटी ट्रैक्टर से जा रही होती है अपनी सहेलियों के साथ में और पापा उनके मोटरसाइकिल में बैठ के केले के पेड़ के ऐसे दबा के भाग रहे होते मतलब मंडप साथ में लेके भाग रहे होते उनको अपनी लड़की की शादी करानी है। और जब वो लड़की वहाँ पहुँचती तो वो देखती है कि जो लड़का देखने आया तो वो किसी और को आइसक्रीम खिला रहा है इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है शायद उनकी जो आइसक्रीम खिला रहे हैं उनकी लव मैरिज हो रही होती है। तो ये जो मूवी है ना पूरी कॉमेडी से भरी है इसमें कलाकार भी बहुत अच्छे हैं निश्चल बसनेर भोला राज सापकोटा और विजय बराल और इसके जो निर्माता और निर्देशक हैं आकाश बराल और साजन काफले। 2:27 का ये टीजर था अभी ट्रेलर आना बाकी है क्योंकि अभी एक महीना बाकी है इसलिए
सितंबर के बाद यहाँ अक्टूबर आएगा। टीचर बहुत अच्छा था, हंसी खुशी सब कुछ इसमें खुशी हुई थी। कुछ अलग मतलब वो नहीं था, लड़ाई झगड़ा मार पीट बहुत सी नेपाली मूवी देखा ना मैं खचाक वाला, वो टीचर नहीं था, ये बिल्कुल हंसी खुशी वाला था। इसके अंदर हंसी खुशी थी और सब लोगों के अंदर इसमें घुसी हुई दिखाई दे रही थी हंसी खुशी। तो ये टीचर बहुत अच्छा था, मूवी भी बहुत ही अच्छी होगी, कॉमेडी से भरी हुई है। स्वास्तिमा खटका, विजय सिमरन, ये इसमें और कलाकार है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हंसी खुशी लिख के बताइए, बिहोली फार्म बिहोली का टीजर आपको कैसा लगा, आपको हंसी खुशी वाला लगा या नहीं लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए। हम आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा कमेंट कीजिए। आप लोग हमारा इतना सहयोग करते हैं, उसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, रिएक्शन वाली लिंक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।